हरि ओम, जय प्रकृति माता की। ये आज हमने एक बहुत ही बढ़िया पौष्टिक चूर्ण बनाया है। ये देखिए किन किन रोगों में, यानी इससे लाभ क्या है, रोग तो हम नहीं बोलेंगे, इसके लाभ क्या है और वो बताऊंगा आपको, क्या घटक है वो भी बताएंगे। और साथ में आप देखेंगे कि ये जो हमारा चूर्ण है बहुत आसान है और आप घर पे भी बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, जैसे शारीरिक कमजोरी हो गया उसमें लाभ करेगा, कैल्शियम कमी है तो भी पूर्ति होगी, पौरुष शक्ति कम हो रहा है तो भी होगी, शारीरिक कमजोरी है तब भी फायदा करना है, बुढ़ापे की कमजोरी है उसमें भी लाभकारी है, घुटने के दर्द में भी है, और पुरुषों के लिए तो ही है, साथ में महिलाएँ भी लेंगी तो उन्हें उनकी भी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कैल्शियम कमी है या फिर शारीरिक कमजोरी है या जोड़ों में दर्द है, तो उसमें भी ये लाभ करेगा। तो देखिए इसमें वैसे क्या है कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ मिलाया है वो बताएं। उससे पहले देखिए, आपको पता है कि आजकल बहुत सारे मेरे पास मतलब डेली कॉल्स वगैरह आते रहते हैं कि आप काम कीड़ा या सेक्स से पावर संबंधित कोई औषधि बनाते हैं क्या, या फिर कुछ दे सकते हैं क्या आप हमें। तो उसके लिए देखिए हमने ये निकाला है फार्मूला, और इसको ज़्यादा कुछ नहीं लिया हमने, सिंपल चीज़ लिया, और इसको हमने पिछले फरवरी मार्च से दे रहे हैं कुछ लोगों को, तो इसमें बहुत ही लाभ मिला, बहुत ज़्यादा, वो बंदा एकदम खिल गया है और मतलब उसकी थकान तो ख़त्म हो गई है। इसमें देखिए हमने करा क्या, देखिए मेन चीज़ क्या है कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और क्या है, क्यों देना चाहिए, क्या लेना चाहिए। और मार्केट में तो लोग हैं टैबलेट ले लेते हैं और कैप्सूल्स हो गए, चूर्ण हो गए, लेकिन इनका क्या है, तो वो क्या देखिए उसमें हार्मोन्स है का गेम है, और इसमें वो लोग क्या उत्प्रेरक डालते हैं जिससे कि हमारी जो पावर है वो एकदम शरीर की निचुड़ जाती है। उस टाइम जब तक वो आदमी लेगा उस टैबलेट को या कैप्सूल को, तब तक तो उससे पावर मिलती रहेगी, जब छोड़ेगा तो उसका बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि शरीर में वो चीज़ बनी नहीं रही और आप उसको निचोड़ ले रहे हो। तो इसके लिए देखिए क्या है कि हमारा शरीर में सप्त धातुएं पुष्ट होनी चाहिए, हमें अगर शारीरिक पौरुष शक्ति बढ़ाना है, शारीरिक शक्ति बढ़ाना है और हमें मजबूत होना है, मन प्रसन्न होना, तो इसके लिए हमारे धातुएं पुष्ट होनी चाहिए, सातों धातुएं। जैसे कि हम कोई भी भोजन करते हैं तो आपको पता है कि रस भोजन को पचाते हैं तो उससे रस बनता है, रस हमारी सोख लिया जाता है आंतों द्वारा, फिर उससे बनता है रक्त, रक्त का मतलब खून, फिर उसके बाद मांस, मांस के बाद हमारा मेद, फिर अस्थि, अस्थि के बाद फिर मज्जा, मज्जा जो है ये इसी में वीर्य का निर्माण होता है, या बोले कि इसी से निर्माण होता है, तो जो जिसे बोन मेरो बोलते हैं, तो ये बोन मेरो के अंदर ही हमारा वीर्य का निर्माण होता है, तो ऐसा माना गया है और ये सत्य भी है। तो जब तक देखिए हम जो भी भोजन करें, जो चाहे कितना भी पौष्टिक कर लें, चाहे कितना अच्छा कर लें, अगर उसका रस नहीं बन रहा है, हमारा शरीर नहीं अवशोषित कर रहा है, तो रक्त नहीं बनेगा, यानी खून की कमी हो गई। ठीक, तो यानी कि हमारी खून की कमी शरीर में आजकल महिलाओं को बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, खून की कमी हो जा रही है, इस तरीके से मांस पूरा नहीं बन रहा है, तो मांसपेशियाँ बहुत लोगों के मसल्स वीक है, देखने को मोटा हो सकता है, चर्बी हो सकती है, लेकिन मांसपेशियाँ बहुत मजबूत हैं, हमारी पिंडलियों में दर्द है, हमारे कूल्हे में दर्द है, हमारे कंधों में दर्द है, हमारे पीठों में दर्द है, हमारी बाजुओं में दर्द है, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, किसी के कोहनी के आसपास दर्द है, तो ये क्या है, मांसपेशियों की कमजोरी है। तो इसके लिए हमने एक पौष्टिक चूर्ण बनाया है जो कि बहुत सारे पर्पज़ है इसका, आपको मैं बता चुका। तो इसमें देखिए हमने लिया है एक काली मूसली और शतावर, देसी शतावर और काला कोंच का पाउडर। इसमें आप अगर काला कोंच ना मिले तो आप सफ़ेद भी ले सकते हैं, और अगर आपको देसी शतावर ना मिले तो बाज़ार वाला शतावर भी ले सकते हैं, लेकिन देसी अपना सही रहता है, ये हमारा जंगल का है, जैविक है पूरा 100%, जैविक क्या बोलेंगे, प्राकृतिक रूप से उगा हुआ है, तो इसको हमने उगाते हैं अपने, अभी आजकल में इसकी बुवाई कर देंगे, बरसात में ही होती है, तो ये जाड़ों में फल आता है, तो ये फलियाँ हम तोड़ लेते हैं। तो ये हमारा दूध में, दूध से शुद्ध किया गया पौंच है, अभी इसको और भी ज़्यादा शुद्ध करना, तो इसकी जो ये होता है यहाँ पे, ये जो आँख होती है जो उगता है उसको भी चक्कू से हम निकाल देते हैं या किसी उसकी सहायता से, वो और ज़्यादा एकदम पॉइजन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसे दूध में हमने पहले भिगोया, फिर उस दूध को फेंक दिया धुलाई करके, फिर उसके बाद इसको दूध में उबाला जाता है 24 घंटे भिगोने के बाद, फिर इसको धो करके फिर इसको हमने उबाला, उबालने के बाद फिर इसकी छिलाई करी है। तो ये काला कोंच का पाउडर मिला है और ये हमारा हो गया देसी सतावर। देसी सतावर देखिए बहुत लोग पूछते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, तो देसी सतावर मतलब देसी, तो ये हमारा प्राकृतिक रूप से उगा हुआ है, हमारे घर के आगे पीछे या खेतों में हम नदी नालों किनारे लगा देते हैं,
तो फार्मिंग वाले में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पीली सतावरी मार्केट ले सकते, काम करेगी, लेकिन गुणवत्ता में ये ज़्यादा है, क्योंकि उसमें देखिए लोग फार्मिंग करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर तो यूज करते हैं, यूरिया का भी स्प्रे हो, यूरिया भी दिया जाता है, DAP भी डाला जाता है, कि उसकी जड़ें ज़्यादा बने और हमें किसान को ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये चीज़ें, इन तीनों का हमने पाउडर बना लिया, और इसको एक एक चम्मच रात को दूध दूध के साथ लेना है, खाना खाने के 40 मिनट बाद दूध के साथ, या 1 घंटे बाद जब दूध पीते हैं तो उसके साथ एक चम्मच दूध में मिला के ले लीजिएगा। इसमें लोग बोल सकते हैं कि अश्वगंधा भी डालें, तो वो उनका स्वाद के ऊपर, अगर वो चाहे तो अश्वगंधा डाल सकते हैं, हमने इसलिए नहीं डाला कि उसका स्वाद कड़वा होता है, फिर पूरा दूध खराब, मतलब स्वाद कड़वा हो जाएगा, तो लोग पीना पसंद नहीं करते हैं। तो ये बैचलर लोग ना लें इसे, अगर उन्हें बैचलर लोगों को लेना है तो सिर्फ सतावा और जो हमारा काली मूसली है वो ले सकते हैं, कैल्शियम वगैरह बनाने के लिए। महिलाएं हैं वो इसको ले सकती हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं है, और इससे तो स्तनपान वाली महिलाएं लेंगी तो भी फ़ायदा है, क्योंकि इससे सतावर है और काली मूसली, तो कैल्शियम और आयरन ये बनेगा ही बनेगा, और दूध भी पूर्ण रूप से बनेगा, तो बहुत ही अच्छा चूर्ण है, आप इसको बनाइएगा, और अगर बन जाता है बहुत बढ़िया, नहीं तो हम अभी तो थोड़ा सीजन, रेनी सीजन चल रहा है बरसात का, थोड़ी बहुत मात्रा में हम दे सकते हैं बना करके। तो इसी के साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसकी जो भी कमियां और अच्छाइयां हो वो ज़रूर आप बताते रहें, जैसे कि आप प्रत्येक वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताते हैं, और उन सभी भाई बहनों का दिल से सहृदय धन्यवाद जो कि मुझे फीडबैक फ़ोन कॉल के द्वारा भी देते हैं कि आपने थोड़ी सी ये मिस्टेक करी या आपने ये बहुत अच्छा करा, तो उससे क्या कि हमें बल मिलता है और सुधार मिलता है। तो आपसे हम आप तक हमने ये बात पहुंचाई है, इसके बदले में हमें आपके फीडबैक को ज़रूर चाहिए, कमेंट के माध्यम से दीजिए, फ़ोन करके दीजिए, व्हाट्सएप पे करिए, जैसे भी आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं, या इसमें और कुछ आप इससे अच्छा कर सकते हैं कि पौष्टिक बना सकते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने सोच, अपने दिमाग के हिसाब से आपको बताया है, इसी के साथ ही आप लोग इसका उपयोग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और हमेशा परिवार में आपके आनंद छाए रहे। जय प्रकृति माता जी।